नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में आज की जो अपडेट है वो किसी भी फील्ड के किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी राजस्थान की से जॉब करना चाहता है सबके लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट है बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाली है सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी होने वाली है इससे पहले मैं बात करती हूँ कि ये जो खुशखबरी मिली है वो ये आपको उत्ते उपेन यादव जी के संघर्ष की वजह से मिली है आपको पता है कि लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं इसके ऊपर उनके साथ बहुत सारे युवा हैं जो मिलके भी संघर्ष कर रहे हैं तो ये उन युवाओं की वजह से ये मिली है बहुत दिनों तक उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड का जगह जगह पे उन्होंने घेराव किया जगह जगह पे जयपुर में आपने देखा आंदोलन किया अभी वो लगभग चौदह दिनों से गुजरात में वो संघर्ष कर रहे हैं किस कंडीशन में वो हैं ये आपने अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपने देखा होगा मैं लगातार आपको अपडेट कर भी रही हूँ तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं वो जिस भी प्रकार से जो आर्थिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से या वहाँ जाकर जिस भी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं तो आप उनकी हेल्प करें उनकी इक्कीस सूत्रीय मांगे थी जिनमें से एक दो मांगे पूरी हो चुकी है सबसे बड़ी मांग तो यही थी जो पूरी हो गई है उनकी तो और भी मांगे अभी पूरी हैं जब तक पूरी मांगे नहीं हो जाती हैं वो नहीं आएंगे गुजरात से राजस्थान तो जो कैंडिडेट हेल्प कर सकते हैं उनकी उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो उनकी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाकी सब लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके उनकी सारी वो युवाओं के लिए ही कर रहे हैं वो हम सब के लिए कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अब हम बात कर लेते हैं कि आज की जो बड़ी अपडेट जो गुड न्यूज़ है उसके बारे में तो आज की जो गुड न्यूज़ है वो आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ये गुड न्यूज़ आपको मिल रही है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने आज ये बयान दिया है उन्होंने ये जारी किया है कि जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए आसान्वित अभ्यर्थियों के लिए राहत प्रदान की है अब ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं भी कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र चाहे वो ओ हो एम हो या ई प्रस्तुत नहीं कर पाए उन्हें नौकरी से वंचित नहीं किया जाकर एक शपथ पत्र लिखवाकर नौकरी प्रदान करने का अवसर दिया गया तो काफ़ी टाइम से उपेन्द्र यादव जी की यही मांग थी कि जो भी कैंडिडेट है उनके पास सर सर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया किसी भी वजह से वो ओ का हो एम का हो ई का हो तो उन्हें शपथ पत्र को ले को आप जारी करें शपथ पत्र लें और उनकी उनको एग्ज़ाम एक, उनको, उनको क्वालिफाई करें तो ये मांग अब अशोक गहलोत जी ने मान ली है और उन्होंने इसको मंजूरी भी दे दी है आप यहाँ देख पा रहे हो अशोक गहलोत द्वारा संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तो अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं था इस वजह से जो बाहर हो रहे थे चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो ई डब्ल्यू एस हो या पशुधन सहायक हो या तमाम कोई भी भर्तियाँ हो जिस जिसमें इस तरह के सारे बहुत सारी भर्तियों में कैंडिडेट मिल रहे थे उन सब के लिए बहुत गुड न्यूज है कि अब आप एक शपथ पत्र दे और अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं किसको भी किसी को भी रोका नहीं जाएगा बगैर सर्टिफिकेट के अगर आपके पास लास्ट डेट के बाद का भी आपके एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसके बाद का सर्टिफिकेट है तो भी वो मान्य किया जाएगा बस एक सर्टिफिकेट एक शपथ पत्र आपसे लिखवाया जाएगा तो ये आपके लिए बड़ी न्यूज़ थी इसके अलावा इसमें क्या कहा है वो भी हम देख लेते हैं राज्य सरकार द्वारा शीतलन देते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस आशय का एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा और उसे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा तो एक शपथ पत्र लिखवा के उसको शामिल कर लिया जाएगा मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इस वर्ष हुई विभिन्न भर्तियों भर्ती परीक्षाओं के अनेक अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिलने वाला है उल्लेखनीय है कि पूर्व में 20 जनवरी 2022 को जारी परिपत्र के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से पूर्व का होने होना आवश्यक था। इस परिपत्र की अनुपालना में पशुधन सहायक भर्ती सीधी परीक्षा भर्ती 2021, कनिष्क अभियंता सीधी भर्ती 2022 पटवार सीधी भर्ती 2021 की विज्ञापति 20 जनवरी 2022 से पूर्व जारी होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा संचय की संभावना थी तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है आप लोगों के पास तब भी आपका अगर नया सर्टिफिकेट है एग्ज़ाम के बाद का सर्टिफिकेट है फॉर्म भरने के बाद का तब भी आपका वैलिड माना जाएगा क्योंकि जाति प्रमाण जाति चेंज थोड़ी ना हो रही है आपका पुराना सर्टिफिकेट भी है तो जाति चेंज नहीं हुई है वही जाति रहने वाली है तो इसको मान लिया गया है इसके लिए उपेन्द्र यादव जी का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है और अशोक गहलोत जी का कि उन्होंने ये बात मानी है अपडेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी प्रकार की राजस्थान के हर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं इसके अलावा एक ग्रुप बना हुआ उस ग्रुप में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसकी कोशिश करती हूँ मैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स को रिप्लाई करने की और आपके साथी भी वहाँ आपकी हेल्प करते हैं थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो